तुम्हारे होते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तेरे लेटने के लिए भी अगर रोहित की नरम नरम गादी होती कितना अच्छा होता। ये सब मैं द्वारका माई तक छोड़ा हूँ बाबा। ये भेंट नहीं भिक्षा है सुतार। सलाम काका। नमस्कार। ये किसकी अमानत है साईं? ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं। मुझे ये सामान अभी कभी किसी के पास लेकर जाना है। अरे साईं बाबा की तो हर एक पे कृपा है काका। मुझ पर तो आज तक कोई कृपा नहीं की उन्होंने। माफ कीजिएगा, अपनों को तो सभी अपना बना लेते हैं, लेकिन साईं बाबा गैरों को भी गले लगाने में देर नहीं करते। बिल्कुल सही, मैंने आपको पहचाना नहीं। नारू, तुमने काका को बताया नहीं? बताया था सरफू भाई, पर काका आजकल हर बात भूल जाते हैं। फिर बता देता हूँ काका को। बताओ। काका, जो जमीन आपको बेचनी थी ना, ये वही जमीन खरीदने आए हैं। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह तू इन्हीं की बात कर रहा था। काका, ये धूप गांव के अमीर और माशाल्लाह नेहायत ही शरीफ नेक दिल इंसान है। इनका नाम मोहम्मद चांद पाटिल है और बाबा के इतने बड़े मुरीद हैं कि अब ये धूप गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ शिरडी में रहने का फैसला कर लिया है। जान मियां, ये जमीन गांव से थोड़ी दूर है पर साईं बाबा की मस्जिद के पास है। हाँ हाँ, साईं बाबा की द्वारका माई से तो बिल्कुल पास है, बस 4 कदम। मुझे ये जमीन पसंद है, आप बस इसका दाम बताइए। मैं यहाँ एक बाड़ा बनवाऊंगा जिससे मैं अपने साईं बाबा की हर रोज कदम मोशनी कर सकूं। आप यहीं ठहरें, मैं विचार करके दाम बताता हूँ। ठीक है, आराम से विचार करके बताइए। देवा के पास किसकी अमानत हो सकती है नाना? वही तो समझ नहीं आ रहा है भगत जी। तुम कह रहे हो कि देवा खाट और गादी को किसी और की अमानत बता रहे थे। केवल बता नहीं रहे थे, उसका बोझ अपने कंधों पर लिए चले जा रहे थे। मैंने उनका बोझ लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझ पर इतनी जोर से गुस्सा किए कि मैं घबरा गया। समझ गया, सारी बात समझ गया नाना। क्या समझ गए भगत जी? पहले तुम मुझे ये बताओ कि देवा किस ओर जा रहे थे। मलिन बस्ती की ओर। तो मेरा अनुमान सही है। कैसा अनुमान भगत जी? अनुमान छोड़ो और मेरे साथ बोलो साईनाथ महाराज की जय। सब समझ गया नाना, मेरे साथ चलो, आज एक नई साई लीला के हम सब साक्षी बनेंगे। ॐ साईनाथाय नमः। ॐ साईनाथाय नमः। ॐ साईनाथाय नमः। देवी नारू, इस जमीन की कीमत 20% से ज्यादा नहीं है। जंगल की इस जमीन की कीमत तो 20% भी बहुत ज्यादा है काका। तू मूर्ख है नारू, लक्ष्मी जी खुद चलकर दरवाजे पर आ रही हैं और तू उनका स्वागत नहीं कर रहा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं काका। धूप गांव का वो अमीर चांद पाटिल साई बाबा के पास रहने के चक्कर में इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देगा। मुंह मांगी कीमत? तुम कितनी कीमत मांगोगे काका? 50% मांगो। 50%? कम है तो ठीक है, सीधे 100% मांगता हूँ। साईं बाबा की कुछ कृपा हमें भी मिल जाए।
काका बहुत ज्यादा मांग रहे हो तुम। तुम मूर्ख है ना। सौदे का एक नियम होता है। नियम? कैसा नियम काका? वस्तु का दाम ग्राहक की आंख देखकर तय किया जाता है और मैंने उस अमीर की आंखों में इस जमीन के लिए लालच भांप लिए। अब वो इस जमीन की कोई भी कीमत देगा। अगर नहीं दिया तो? तो हम कुछ कम करके सौदा पटा लेंगे पर इस जमीन को बेच देंगे। अपने किसी काम की तो है नहीं काका। अगर तुम्हें मुंह मांगी कीमत वसूलनी है ना तो मेरे पास एक अचूक उपाय है। अब तेरे पास भी उपाय होने लगे। खैर उनका थोड़ा और समय बर्बाद कर लेते हैं। अपने पास तो समय ही समय है। बोल बोल तू उपाय बोल। काका आप जमीन का दाम बताना और मैं जमीन को ना बेचने को कहूंगा। तू मेरे साथ रह रहकर कितना चालाक हो गया है नारू। तेरा उपाय तो एकदम जबरदस्त है। अब मैं सीधे 150 टके की मांग करूंगा। 150 टके? चलो चलकर बात करते हैं काका। फिर मूर्ख जैसी बात। रुक थोड़ा और समय पर बात कर ले। ऐसे बात कर जैसे तू ये जमीन बेचना ही नहीं चाहता। मैं इनसे कहूंगा कि ये जमीन तो इसके बाबा ने इसी के नाम कर रखी है। काका अब तो 200 टकों का हाथ मारोगे। इस 10 टके की घटिया जमीन के लिए ये काका इतना सोच क्या रहा है? सरफ भाई मुझे लगता है मारू ये जमीन हमें बेचना ही नहीं चाहता है। शायद इसे काका मना रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जान। मैं जाकर के बात करता हूँ। नहीं सरफ भाई कोई जरूरत नहीं। साईं बाबा की मर्जी होगी तो ये जमीन हमें जरूर मिल जाए। ये बात तो। जिप्री बाहर या जिप्री? राम जी भला करेंगे। जिप्री ये देख तेरी अमानत। मेरी अमानत? हाँ तेरी अमानत। अब ज्यादा बातें मत बना आत्मरजा और मेरे लिए पानी घी उनिए बहुत प्यास लग रही है। लाई बाबा। जा जिप्री। Thank you.
भगत जी, आपको कैसे पता चला कि देवा जिपरी की अमानत उठाए थे? कल जब देवा गाड़ी पर विराजमान नहीं हो रहे थे, तब जिपरी ने कहा था, तुम गाड़ी पर बैठोगे साई, तो कभी कभार मैं उसे बहाने से छू लिया करूं। तभी देवा ने अपने मन में जिपरी का कर्जा ले लिया था और आज वो कर्जा चुका दिया। देवा कितने दयालु हैं भगत जी। वे निर्बल के बलराम और दया के सागर हैं। ठहर जा जिपरी। नहीं, तू उस पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती वो इस पर? मेरे सवाल का उत्तर दो माला, जिपरी इस गादी पर क्यों नहीं बैठ सकती? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। बाबा, अभी तक आपका रोग ठीक नहीं हुआ। ठीक हो जाएगा जिपरी, ठीक हो जाएगा। पर कल ही तो आपने नीम की पत्ती खाई थी। नीम की पत्ती औषधि है मेरी मुलगी, कोई जादू की छड़ी तो नहीं। हाँ, गुरुस्तान की नीम की पत्ती जादू की छड़ी ही तो है। उससे तो मेरा रोग एक दिन में ही ठीक हो गया था। सब मालिक का रहमो करम है माला, जो आया है वो लौट कर जाएगा और फिर कुछ नया आएगा। देवा, क्या तुम रात में सोते नहीं हो? सोता हूं ना जिपरी, पर जागते जागते। जागते जागते कैसे सोते हैं देवा? शरीर सो जाता है जिपरी, पर मन जागता रहता है। और कल रात मेरे मन ने तेरी सारी बातें सुन ली थी। मेरी कौन सी बात देवा? तू कल रात अपनी आई से कह रही थी ना कि तेरे लेटने के लिए भी एक नरम नरम रुई की गादी होती तो कितना अच्छा होता। आई, अगर तेरे लेटने के लिए भी नरम नरम रुई की गादी होती कितना अच्छा होता। नहीं जिपरी, हमें वो सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो सके। देवा, मेरी बात सुनकर इतनी महंगी गादी खरीद कर लाए? तू आम खाना जिपरी, गुठलियां गिनने क्यों बैठ गई? चल अब जल्दी से मुझे इस खाट पर बिछी हुई गादी पर बैठ कर दिखा। ठहर जा जिपरी। नहीं, तू उस पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती वो इस पर? मेरे सवाल का उत्तर दो माला, जिपरी इस गादी पर क्यों नहीं बैठ सकती? हम बहुत गरीब है बाबा। तुम्हारी गरीबी का इस खाट से क्या संबंध? मेरी बात का उत्तर दो माला। मैं क्या उत्तर दूं देवा आपको? तुमने तो हमें सिर उठाकर जीना सिखाया है। तुमने तो उस भेदभाव को मिटाया है देवा, जिसने सदियों से हम दलितों की दशा जानवरों से भी बदतर करके रख दी थी। मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे सकती देवा,
नहीं दे सकती। और तुमसे इतना महंगा उपहार नहीं ले सकती देवा मैं। उपहार नहीं माला, उपहार नहीं, ये तो मेरे सिर पर चढ़ा हुआ मेरी मुल्की का कर्ज था, जब उतर गया कल जिपरी की ललक के कारण ही मैं टाट छोड़कर गादी पर बैठ गया था। तभी मैंने ये शपथ ले ली थी कि अब मेरी बेटी भी गादी पर ही सोएगी। मैं जानती हूँ देवा, जिपरी से बहुत प्यार करते हो, उसे अपनी बेटी मानते हो। हम तुम्हारा कर्ज कैसे उतारेंगे देवा? पगली है तू माला, तू नहीं जानती कि बेटियों को देने से कर्ज नहीं चढ़ता, क्योंकि बेटियों को दिया हुआ तो भगवान 100 गुना करके लौटाते हैं। तुम्हें कोई क्या लौटाएगा देवा, तुम तो खुद ही भगवान हो। मैं तो एक फकीर हूँ, तेरी खुशियां भी आज खरीद कर नहीं मांग कर लाया हूँ। नहीं देवा, ये जिससे लाए हो उसे लौटा दो। श्री राम की चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर रख पूजा कर रहे हैं। साईनाथ महाराज की जय। राम जी भला करेंगे, राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम गरीब इतने सुखों की उम्मीद नहीं रखते देवा। तुम गरीब नहीं हो माला, क्योंकि तुम एक बेटी की माँ। हर एक के नसीब में बेटियां नहीं होती, जो घर मेरे मालिक को पसंद होते हैं वहीं बेटियां जन्म लेती हैं। इसलिए बेटियों के माँ बाप कभी गरीब नहीं हो सकते। तुम सच कह रहे हो देवा, जिपरी के भाग्य से ही तो हमारा सौभाग्य जागा है, और तुम्हारी कृपा हमें मिली है। तुम जानती हो माला, बेटियां क्या होती हैं? बेटियां तो धान की फसल जैसी होती हैं। धान की फसल जो बोई एक खेत में जाती है और अंगुल भर होने पर उसे उस खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में बो दिया जाता है, जहां वो खिलती है, फलती है और लहलहाती है। बेटियां भी तो एक घर में जन्म लेकर दूसरे घर में चली जाती है, उस दूसरे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती। ये तो मुझे पता ही नहीं था भगत जी कि धान की फसल एक खेत से दूसरे खेत में ले जाई जाती है। तुम चौबदार हो ना नाना, किसान होते तो सब मालूम होता। देवा ने बेटियों की कितनी अच्छी उपमा दी। धान तो सारे संसार के जीवित रहने का कारण है, इसलिए उसे अक्षत कहा गया है। बेटियां भी तो जीवन ही है भगत जी, अगर बेटियां ना हो तो संसार की गति ही थम जाएगी। माला, ये खाट और गादी मैं बहुत दूर से उठा कर लाया हूं, अब अगर तुम कहो तो इसे अंदर भी रख दूं या तुम इसे ले जाओगी? ऐसे कैसे लेके जाऊं बाबा, इस खाट पर और इस गादी पर पहले तुम्हारी मुलगी बैठ के दिखाएगी।
इसके अकेले के बैठने से कुछ नहीं होगा माला। अगर तुम सचमुच इस फकीर को खुश करना चाहती हो तो तुम्हें भी मेरी मुलगी के साथ बैठना होगा। मैं नहीं बाबा, नहीं। क्यों नहीं बैठ सकती? क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? हाँ बाबा, मैं आपकी बहन हूँ। तो तुम अपने भाई को निराश करोगी माला? नहीं देवा, नहीं। महाराज की जय। हमारा नसीब तो आपके चरणों में है बाबा। हमारे बैठने से पहले खाट और गादी पर आपकी पादुकाएं रखने की अनुमति चाहती हूँ। अल्लाह मालिक। आप रो रहे हैं भगत जी? रो नहीं रहा हूं। निश्चल भक्ति के अद्भुत दृश्य को देखकर मेरी आंखों से पावन गंगा बह निकली है। धन्य है माला और धन्य है उसकी भक्ति। चिपरी के भीतर जो भक्ति के अटूट संस्कार हैं, ये उसकी माँ की ही देन है। ऐसी भक्ति तो कभी नहीं देखी। हाँ नाना, आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम श्री राम के युग में आ गए और श्री भरतलाल श्री राम की चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर रख पूजा कर रहे हैं। राम जी भला करेंगे। आपको माला में श्री भरतलाल दिख रहे हैं, पर मैं तो इसे शबरी माई ही कहूंगा। श्री गाऊ की हदबंदी के भीतर जैसे भी जमीन का सौदा कुलकर्णी बाऊ की आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता है। हमें तो आपके रूप में हमारे श्री राम मिल गए, पर पता नहीं इस श्री राम को उनका हनुमान कब मिलेगा। मेरी तुलना श्री राम से ना करो, वे तो बहुत ही महान है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं।